हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सब टीवी के सीरियल बालवीर सीजन 3 के बारे में। तो गाइज, सीरियल की फर्स्ट वीक की टीआरपी वगैरह के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं और क्या रीजंस थे जिसके कारण सीरियल की लो टीआरपी आई वगैरह वगैरह, लेकिन हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने नहीं वाले। इस वीडियो में हम एक अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये है कि बालवीर सीजन 3 को जो लॉन्च करा गया है इस फॉर्मेट में लॉन्च क्यों करा गया है जो कि पिछले सीजन से अलग है। यानी कि पुराने सीजन्स में हमें हर बार बालवीर सीज़न 1 हो या फिर बालवीर 2 हो, वो हमें मंडे टू फ्राइडे की स्लॉट्स पे लॉन्च होते हुए नज़र आया है, लेकिन इस बार का जो सीज़न है इसको सैटरडे टू संडे यानी कि वीकेंड्स पर लॉन्च क्यों करा गया है। तो आइए इसका एक्चुअल रीज़न जान लेते हैं। तो गाइस, बालवीर सीज़न 3 को सैटरडे टू संडे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए इस बार इस फॉर्मेट में इसलिए लॉन्च करा गया है बिकॉज देव जोशी, जो भी देव जोशी के फ़ैन हैं उनको तो पता ही होगा कि देव जोशी डियर मून प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। डियर मून प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसमें 8 आर्टिस्ट जो कि दुनिया के अलग अलग जगह से हैं, उन्होंने मून के राउंड एक ट्रिप पे जाना है जो कि एक हफ्ते तक लास्ट करेगी। तो गाइज़, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें देव जोशी भी पार्ट हैं और इसमें भी वहाँ पर मून के राउंड जो ट्रिप है वहाँ में जाने वाले हैं। तो इसी करके इसकी तैयारी में भी और ये सब में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं देव जोशी और ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशंस वगैरह का वो पार्ट हैं। हाउएवर, वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और वो ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हैं जिस करके वो काफ़ी बिजी भी हैं इस टाइम पर, और आने वाले टाइम में जब वो मून पर जाने भी वाले हैं और उससे पहले काफ़ी तैयारी वगैरह भी करनी है। तो गाइज़, यही सब के चलते हुए बालवीर सीज़न 3 ये पॉसिबल नहीं था कि इस सीरियल को वो डेली कर दें यानी कि मंडे टू फ्राइडे पे कर दें, बिकॉज इतने ज़्यादा एपिसोड्स शूट करने का जो वे नहीं था बिकॉज बालवीर के जो लीड हैं देव जोशी वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं इस टाइम पर। तो सैटरडे टू संडे करके में ये काफ़ी ज़्यादा उन्हें एक फ़ायदा हुआ है, वो ये हुआ है कि एक ही टाइम पे वो सब शूट कर रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी आगे के एपिसोड्स का काफ़ी ज़्यादा बैंक रखा जाएगा और इस तरह से बालवीर यानी कि देव जोशी कितना भी बिजी हो एपिसोड्स ऑलरेडी शूट पड़े होंगे और वो सैटरडे टू संडे उन्होंने जब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही एयर करने होंगे तो उन्हें कोई भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी उनके पास इतना ज़्यादा एपिसोड्स का बैंक पड़ा होगा जो कि वो आराम से दिखा सकते हैं बिकॉज हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही एयर होना है सीरियल को। तो देव जोशी के बिजी होने के कारण ये है कि सैटरडे टू संडे इस बार बालवीर का सीज़न 3 करा गया है, वरना मंडे टू फ्राइडे सब टीवी वाले कर देते, लेकिन सैटरडे टू संडे पर इन्होंने जो लॉन्च करा है फिर भी इसकी टाइमिंग बेटर कर सकते थे। जो 7 बजे की टाइमिंग है उससे कोई अच्छी टाइमिंग देख सकते थे, 8 की या फिर 9 की, फिर थोड़ी सेंस बनती। 7 बजे की टाइमिंग देने की कोई सेंस नहीं बनी, लेकिन एनीवेज जो भी है, सैटरडे टू संडे जो इस बार बालवीर सीज़न 3 इस फॉर्मेट में लॉन्च करा गया है उसका ये रीज़न है। कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइए, आपको बालवीर सीज़न 3 की सैटरडे टू संडे बेटर लग रहा है या फिर मंडे टू फ्राइडे बेटर लगता था, जो भी आपकी राय है। सब टीवी बालवीर की सारी लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।